संबोधित किया उनके बड़े भाई के तौर पर। कुछ रिश्ते मैं बारह कहता हूं कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जिंदगी में मुनाफा तो नहीं देते मगर अमीर जरूर बना देते हैं। आप टाइटन की घड़ी पहनो या टाइमेस की, वक्त तो वही रहेगा। आप इकोनॉमिक्स में बिजनेस करें या किसी और गाड़ी में, सड़क गया है वे जिंदगी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, और ये ऐसा माहौल है जो देखते ही बनता है। और ऐसे माहौल में हम कुछ अतिथिगणों का मुमताज और शाहजहां ने इस पर ताज महल बना डाला। तो आइए, आपके सामने है धामने साहब। जी अग्रवाल के बड़े सुपुत्र विजय जी अग्रवाल यहाँ पर अपने कुछ शब्दों का भंडार आपके आभार दिल की गहराइयों से पेश कर रहे थे मास्टर विनोद कुमार। बस सुनते रहिएगा, जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं। जिंदगी में एक अपनापन देते हैं, एक मोहब्बत देते हैं जो कई वर्षों तक हमारे दिल में बसते हैं। बस वैसे ही रिश्ते आपने बसाए हुए हैं अग्रवाल परिवार के प्रति। यहाँ पर तमाम महानुभाव और आदरणीय श्रीमान श्रीमती और सभी सामाजिक का श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। और नगमा सिलसिला वही जो आपके सामने है। 100 साल पहले
मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। विनोद कुमार और साथ में है आशा जी। माझे दोस्त आज यांना आम्ही आमंत्रित केलं होतं, श्री धामणे साहेब यांनी माझं आमंत्रण स्वीकारलं, त्याबद्दल जिंदर परिवार त्यांचं नेहमी ऋणी राहील। आणि अशीच जी पावती आज माझ्या सगळ्या व्यापारी बंधूंनी, माझ्या परिसरात आणि परिसरातील सगळ्या व्यापाऱ्यांनी, समाजातील व्यापाऱ्यांनी, सर्वांनी, जे कुटुंबांनी मला, जे कुटुंबांनी मला एवढी मोठी पावती आज दिलेली आहे, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आणि श्री धामणे साहेबांचा या निमित्ताने मी विनंती करेल माझ्या वडिलांना की धामणे साहेबांचा सत्कार त्यांनी करावा। कहते हैं कि बटुमल जी, बटुलाल जी, नथमल जी यांची माझी ओळख खूप, म्हणजे जवळपास 30 वर्ष आधीची ओळख आहे। त्यांना मी काका म्हणतो आणि अशा महान व्यक्तीचं इथे 75वी साजरी होत आहे। मी कारागृह विभागात काम करतो आणि ही त्यांनी जे काही आम्हाला मदत केली, माझ्या विभागाला मदत केली, तेवढ्या कारणासाठी आज मला इथं यावंच लागलं। ते माझे काकाजी आहे, संत कबीरचा दोहा आठवतो मला, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंती को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अशा प्रकारचे पण वृक्ष राहतात, पण यांनी एवढं मोठं होऊन सुद्धा आंब्याच्या झाडाची उपमा देतो मी त्यांना, सुंदर फळ आणि सुंदर गार सावली त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे, आपल्या सर्वांना दिलेली आहे। तर त्यांना त्यांच्या 75वीच्या शुभेच्छा देतो आणि अजून 50 वर्ष त्यांनी आम्हाला आशीर्वाद द्यावा, अजून 50 वर्ष त्यांनी आमच्या सोबत राहून आम्हाला आशीर्वाद द्यावा, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून मी माझे दोन शब्द संपवतो। जय।